रफीउल्ला, काफी मशहूर है इस नाम से, AK-47 इस नाम से रफी अपने स्पेल का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। देखना है वापसी करते हैं किस तरीके से गेंदबाजी में। रफी की ये गेंद फिर एक बार ऑफ साइड वाइड से बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड का था, अच्छी विकेट। राफी अपने इस ओवर की पहली गेंद लेकर उनकी गेंद गेंद को उठाकर खेल दिया, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ की जानी, वहां पर फील्डर मौजूद है शहबाज, देखना इस कैच को पकड़ते हैं या नहीं, कैच ड्रॉप करते हुए B4B लायंस टीम को सिंगल मिलेगा बल्लेबाज मोहम्मद अफजल को, काफी महंगा साबित हो सकता है मोहम्मद अफजल का ये कैच ड्रॉप किया। चांस एक चांस के साथ अब नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज मोहम्मद अफजल। इसके नेक्स्ट गेंद एहसान शहजाद को की थी रफीउल्ला ने, बेहतरीन गेंद टपकाने के उछाल लेती हुई गेंद, गेंद बल्लेबाज है एहसान शहजाद, सनी इस नाम से काफी मशहूर। सामना करेंगे रफी की गेंद का, तो अच्छा बैटल है ये रफीउल्ला रफी और एहसान शहजाद के बीच। राइट एम ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे रफी, सामना करेंगे उनका बल्लेबाज एहसान शहजाद। राइट एम ओवर द विकेट उनकी ये गेंद, गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री की जानिब, वहां पर बढ़िया कैच मिड विकेट के फील्डर्स द्वारा, पहली विकेट हासिल करते हुए अपने टीम के लिए रफी। मैंने पहले ही कहा था जब गेंदबाजी के लिए आए थे रफी AK-47 बस तौकीर हयात आए, तौकीर हयात भी अच्छे बल्लेबाज है, सामना करेंगे रफी की गेंद का, गेंद को पहली गेंद को उठाकर खेल दिया, गेंद जाती हुई मिड विकेट बाउंड्री की जानी, वहां पर अच्छी कोशिश आमिर ने की थी इस बार लेकिन गेंद को कैच नहीं कर पाए, वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी, दूसरी गेंद पर दूसरी विकेट ना करेंगे उनका बल्लेबाज तौकीर हयात। बाउंड्री से शुरुआत की है अपने बल्लेबाजी में, गेंद को उठाकर खेल दिया, गेंद जाती हुई काउ कॉर्नर बाउंड्री की ऊपर से 6 रनों के लिए, बढ़िया स्ट्रोक बल्लेबाज तौकीर हयात के बल्ले से निकलता हुआ इस बाउंड्री की। रफी अपने इस ओवर की लास्ट बॉल करेंगे, सामना करेंगे तौकीर हयात। राइट ओवर तक गेंदबाजी करते हैं उनकी ये गेंद, गेंद को खेल दिया सिर्फ, गेंद जाती हुई फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग की जानिब, वहां पर बाउंड्री की जानिब गेंद को फील्ड किया गया, तब तक बल्लेबाजों ने सिंगल हासिल किया। काइंडली फॉलो करें जो लवकानी ने कहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट का लॉ है और हमें इसको अबाइड करना है। थैंक यू वेरी मच।